विवेक और विनीता दोनों डॉक्टर हैं और उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। जब भी विनीता क्लिनिक में बच्चे देखती है तो उसका भी दिल करता है कि उसकी कोई संतान हो। विनीता जी, हमारे अनाथालय में एक बच्ची है, वह बहुत कमजोर पैदा हुई है और पैदा होते समय उसकी माँ को बचाया नहीं जा सका। मुझे लगता है आपके घर में उसे अच्छी परवरिश मिल सकती है। हाँ हाँ, जरूर, मैं आज ही अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ। विवेक, आज अनाथालय से फोन आया था, एक बच्ची है, बहुत कमजोर है और उसकी माँ भी नहीं है। मुझे लगता है हमें उसे गोद ले लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो विनीता, हम कल ही अनाथालय जाकर उस बच्ची को लेकर आएंगे। विवेक और विनीता अनाथालय जाकर उस छोटी बच्ची को घर ले आते हैं। ये तुम लोगों ने क्या किया? एक तो संतान नहीं है और अगर बच्चा को लिया भी तो एक लड़की। माँ, हमने लड़का या लड़की नहीं देखा, हमने एक जीवन को बचाया है, उसकी माँ मर चुकी है। तुम लोग पढ़ लिख कर समझते हो कि बहुत समझदार हो गए हो। कल को मेरी मौत आएगी तो मेरा क्रियाकर्म तो विवेक कर सकता है, लेकिन तुम दोनों का क्रियाकर्म कौन करेगा? माँ, इस दुनिया में बहुत से लोगों के बेटे नहीं होते, तो क्या उनका क्रियाकर्म नहीं होता? कैसी बातें करती हो। मैं विक्रम के घर जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। माँ, जैसा आप ठीक समझे। वे दोनों मिलकर उस छोटी बच्ची की बहुत ही प्यार से देखभाल करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। 7 साल के बाद माँ एक बार फिर विवेक और विनीता के घर पे आती है। दादी माँ आ गई। दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई? दादी माँ कोई जवाब नहीं देती, वो बच्ची को बहुत ही रूखी नजरों से देखती है। विवेक और विनीता रात को शादी में गए हुए हैं और दादी अपने कमरे में सो रही है। तभी दादी दादी क्या हुआ? आपको पानी लाकर दूं? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरा पंप नहीं मिल रहा है। रोशनी उनके बैग से उनका पंप ढूंढ कर देती है और फौरन अपने माता पिता को फोन करती है। हेलो पापा, जल्दी आइए, दादी को बहुत खांसी आ रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ, फौरन चलिए, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। अगर रोशनी ने सही समय पर मेरा पंप ढूंढकर मुझे नहीं दिया होता तो ना जाने आज क्या हो जाता। बेटा, मैंने आज तक इस बच्ची को जरा सा भी प्यार नहीं दिखाया, लेकिन आज इस बच्ची ने ही मेरी जान बचाई। विवेक, विनीता, तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी समझदार और प्यारी बेटी मिली है। क्या आपके अनुसार गोद ली हुई संतान और अपनी संतान में कोई अंतर होता है? संतान अपनी हो या गोद ली हुई, लड़का हो या लड़की, उनमें ना ही कोई अंतर होता है और ना ही हमें कोई भेदभाव रखना चाहिए। विवेक और विनीता दोनों डॉक्टर हैं और उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। जब भी विनीता क्लिनिक में बच्चे देखती है तो उसका भी दिल करता है कि उसकी कोई संतान हो। विनीता जी, हमारे अनाथालय में एक बच्ची है, वह बहुत कमजोर पैदा हुई है और पैदा होते समय उसकी माँ को बचाया नहीं जा सका। मुझे लगता है आपके घर में उसे अच्छी परवरिश मिल सकती है। हाँ हाँ, जरूर, मैं आज ही अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ। विवेक, आज अनाथालय से फोन आया था, एक बच्ची है, बहुत कमजोर है और उसकी माँ भी नहीं है। मुझे लगता है हमें उसे गोद ले लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो विनीता, हम कल ही अनाथालय जाकर
उस बच्ची को लेकर आएंगे। विवेक और विनीता अनाथालय जाकर उस छोटी बच्ची को घर ले आते हैं। ये तुम लोगों ने क्या किया? एक तो संतान नहीं है और अगर बच्चा को लिया भी तो एक लड़की। माँ, हमने लड़का या लड़की नहीं देखा, हमने एक जीवन को बचाया है। उसकी माँ मर चुकी है। तुम लोग पढ़ लिख कर समझते हो कि बहुत समझदार हो गए हो। कल को मेरी मौत आएगी तो मेरा क्रियाकर्म तो विवेक कर सकता है, लेकिन तुम दोनों का क्रियाकर्म कौन करेगा? माँ, इस दुनिया में बहुत से लोगों के बेटे नहीं होते, तो क्या उनका क्रियाकर्म नहीं होता? कैसी बातें करती हो? मैं विक्रम के घर जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। माँ, जैसा आप ठीक समझे। वे दोनों मिलकर उस छोटी बच्ची की बहुत ही प्यार से देखभाल करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। 7 साल के बाद माँ एक बार फिर विवेक और विनीता के घर पे आती है। दादी माँ आ गई। दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई? दादी माँ कोई जवाब नहीं देती। वो बच्ची को बहुत ही रूखी नजरों से देखती है। विवेक और विनीता रात को शादी में गए हुए हैं और दादी अपने कमरे में सो रही है। तभी दादी दादी क्या हुआ? आपको पानी लाकर दूं? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरा पंप नहीं मिल रहा है। रोशनी उनके बैग से उनका पंप ढूंढ कर देती है और फौरन अपने माता पिता को फोन करती है। हेलो पापा, जल्दी आइए, दादी को बहुत खांसी आ रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ, फौरन चलिए, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। अगर रोशनी ने सही समय पर मेरा पंप ढूंढकर मुझे नहीं दिया होता तो ना जाने आज क्या हो जाता। बेटा, मैंने आज तक इस बच्ची को जरा सा भी प्यार नहीं दिखाया, लेकिन आज इस बच्ची ने ही मेरी जान बचाई। विवेक, विनीता, तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी समझदार और प्यारी बेटी मिली है। क्या आपके अनुसार गोद ली हुई संतान और अपनी संतान में कोई अंतर होता है? संतान अपनी हो या गोद ली हुई, लड़का हो या लड़की, उनमें ना ही कोई अंतर होता है और ना ही हमें कोई भेदभाव रखना चाहिए।